अरे भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई सन 2023 को 2:45 पर लॉन्च किया गया था और इसे ऑपरेट कर रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो। पहल ये बातें तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला, चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और दूसरा, इंडिया चांद पर क्यों जाना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 के साथ इंडिया मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है एंड मून पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग है। अगर इंडिया मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेती है तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा एंड इसके लिए हमें अपने इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, वी शुड थैंक यू देम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा जब इंडिया मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 मिशन लूनार साउथ पोल को स्टडी करेगा सो डेट हम साउथ पोल पर बाइटर आइस की प्रेजेंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आपको बता दें कि साउथ पोल मून का वह पार्ट है जो परमानेंटली शैडोड है, मींस यहां पर सनलाइट कभी नहीं पहुंचती एंड इस पार्ट का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि बाइटर आइस की प्रेजेंस को जानकर हम क्या करेंगे, तो आपको बता दें कि बाइटर आइस को फ्यूचर में एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जा सकता है एंड इसके अलावा रॉकेट इंजन के फ्यूल सोर्स के रूप में भी का यूज किया जा सकता है। चंद्रयान 3 में बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे जिनमें से एक है रडार इंस्ट्रूमेंट। रडार इंस्ट्रूमेंट मून की सब सरफेस को मापने के लिए यूज होगा ताकि वाटर आइस को ढूंढने में आसानी हो। दूसरा है थर्मल मैपर, इसका यूज लोनार साउथ पोल के टेम्परेचर को मापने के लिए होगा। तीसरा है स्पेक्ट्रोमीटर, इसका यूज लोनार सरफेस के कम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को दिखाना चाहता है। इंडिया ने पहले भी चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड जैसे मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं एंड चंद्रयान 3 के साथ इंडिया के पास एक और मौका है अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को दिखाने का। चंद्रयान 3 इंडिया के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लाएगा थ्रू डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। चंद्रयान 3 को एलबीएम 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एलबीएम 3 इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। नॉर्थ साउथ पोल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मून का वह पार्ट है जो कम्प्लीटली शैडोड है एंड यहाँ पर बिलियंस टन्स वाटर आइस है जो कि मून पर एक ह्यूमन कॉलोनी के लिए मोर देन एनफ है। के साथ ही आपको बता दें कि लूनार साउथ पोल मून का वह पार्ट है जहां पर आज तक कोई कंट्री नहीं पहुंची, तो ये इंडिया के लिए एक प्राउडफुल मूवमेंट होगा। चंद्रयान 3 मिशन मून के बारे में हमारी साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस करने के लिए एक सिग्निफिकेंट अंडरटेकिंग है। इस मिशन में बहुत से एक्सपेरिमेंट होंगे जिससे लूनार एनवायरमेंट जैसे कि जियोलॉजी कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके और मून तथा मून की हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझा जा सके। देखो यार, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं एंड आई एम थैंकफुल टू इसरो साइंटिस्ट एंड प्रे करता हूँ कि 23 अगस्त 2023 को 5:47 पर इंडिया इस अचीवमेंट को सक्सेसफुली प्राप्त कर ले। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके।